डॉक्टर गोखले पंचशीला जी का लिखा हुआ दीप कविता को NAP थर्ड सेम BCA के छात्रों के लिए रखे है, जिसका सारांश मैं अभी समझाने वाली हूँ। प्रस्तुत कविता में सामाजिक चेतना को जगाने के लिए विविध वर्गीय आयामों को उखेरा है। कवि शोषितों में शिक्षा और कानून के प्रति जागरूकता फैलाने, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने, स्त्री को अपनी अस्मिता बचाने के लिए नन्ही सी ज्योत को सदा अपने हृदय में प्रज्वलित रखने को कहते हैं। उनका मानना है कि वह ज्योत नन्ही सी होने पर भी एक क्रांति को जन्म दे सकती है, जिससे अत्याचार करने वालों पर से कुकर्म का पर्दा हटाकर उन्हें कानून के अनुसार दंडित किया जा सके। कविता का सारांश, एक ज्योत है सब दीपों में, लेकिन अलग अलग है दीप। एक ज्योत ने किए हजारों लाखों दीप प्रज्वलित, सहनशीलता दया क्षमा को तभी पूजता है ये जग। अंधेरे पर मात करने निकली छोटी सी ये ज्योत, किया उसने प्रण ऐसा कभी ना पीछे हटूंगी मैं। इसका सारांश है। प्रस्तुत पंक्ति में कहा गया है कि दीपक भले ही अलग अलग हो, मगर उनकी ज्योत अर्थात आग सभी में एक ही है, अर्थात हर हृदय में एक जैसी ही आग रहती है। अत्याचार अन्याय अनीति और अधर्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए नन्ही सी ज्योति ही काफी है। यही नन्ही सी ज्योत हजारों लाखों लोगों में क्रांति की भावना को जागृत कराती है। तभी यह जगत सहनशीलता दया क्षमा जैसे गुण को पूजता है, अर्थात उनकी रक्षा हो पाती है। भाव यह है कि नन्ही सी ज्योत देखने में चाहे छोटा हो, मगर इसमें अंधेरे को समाप्त कर देने की क्षमता होती है। उस नन्ही सी ज्योत ने प्रण अर्थात प्रतिज्ञा लिया है कि वह इस अन्याय रूपी अंधकार को मिटाकर ही दम लेगा, तब तक पीछे नहीं हटेगा। अर्थात जब तक इस संसार में अत्याचार है, अन्याय है, अधर्म है, तब तक हमारे हृदय में यह नन्ही ज्योत सदा प्रज्वलित रहेगा। अगली पंक्ति है, टूटा जिनका मनोबल है उनका साथ दूंगी मैं अबला नारी। एक दुखियारी पीड़ा उसकी न सहूंगी, कानून की दहलीज पर जाकर न्याय उसको दिलवाऊंगी। ना समझो मुझे नन्ही ज्योत, शक्ति मुझ में है भारी। गर्त अंधेरी रात की खोल दू गुप्त कहानी तुम्हारी, यहाँ पुरुषत्व का प्रचंड तांडव। इसका सारांश है, नन्ही ज्योत जिन लोगों का भी मनोबल टूटा है, उनमें फिर से आशा की किरण जगाने की बात कहता है। जब तक देश में एक भी अबला नारी है या दुखियारी स्त्री है, जब तक उसके साथ न्याय नहीं होगा, तब तक मैं अर्थात नन्ही ज्योत उसका साथ देती रहूंगी, क्योंकि मैं अपने आंखों के आगे उन्हें पीड़ित होते हुए देख नहीं सकूंगी और ना ही सहन सकूंगी। मैं उनके लिए कानून के चौखट पर जाकर न्याय दिलवाऊंगी। कवि नन्ही ज्योत की भावना को ऐसे कहते हैं कि मुझे नन्ही लव समझकर कमज़ोर मत समझना, मुझ में अपार शक्ति है। उन गहरी अंधेरी रातों पर से, उन शोषितों के कुकर्मों पर से पर्दा उठाने की अर्थात उनके छिपे हुए अत्याचारों को सबके सामने ला दूंगी। पुरुषों का यह प्रचंड अबला के ऊपर हो रहे अत्याचार के तांडव को अब और नहीं चलने दूंगी। अगली पंक्ति है, पहुंच गया है शीर्ष पर अपने बलबूत पर, उनको गिरा दिया मुंह के बल, धीरे धीरे निकली मैं घास फूस की चोपड़ी की ओर। देखा मैंने यहाँ अबला के साथ कर रहे थे जोरा जोरी, माथा टनका क्रोध भड़का, लगाई झोपड़ी में आग, जान बचाने की कोशिश की, लूटने वाले हो गए राख। इसका सारांश है, पुरुषत्व का घमंड करने वाले पुरुषों का अत्याचार अब सीमा से पार हो चुकी है, अब उनका अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
नन्ही ज्योत कहती है कि मैं अपने बलबूते पर उस अत्याचारी को सजा दिलवाऊंगी, इसलिए अब मैं धीरे धीरे घास फूस की झोपड़ी की ओर निकली, अर्थात गरीबों के घरों की ओर बढ़ी और देखा एक अबला के साथ क्या क्या अत्याचार और दुष्कर्म हो रहे हैं। यह देखकर मेरा माथा ठनक गया और इतना अत्याचार देखकर क्रोध भड़क उठा। नन्ही सी ज्योत विशालकाय रूप धारण करते हुए उसकी झोपड़ी में ही आग लगा दी और स्त्री को लूटने वाले, उसके प्रति अत्याचार करने वाले को दंडित किया। उस अबला को लूटने के लिए आए हुए खुद राख हो गए। अगली पंक्ति है, मेरा साहस देखकर और आए दीप मेरे पास कहने लगे, हम सब मिलकर देंगे तुम्हारा साथ। नारी को खूंटे से बांधे रखना पुरुषों को पंची सी आज़ादी नहीं सहेगी गुलामी और इनका अत्याचार, करेंगे हम सब मिलकर अन्याय का प्रतिकार। इसका सारांश है, दीप कहता है कि अत्याचार का सामना करने की मेरे अकेले के साहस को देखकर और भी दीप मेरे पास आए, अर्थात एक स्त्री अगर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाए तो उसे साथ देने के लिए कई स्त्रियां चली आई, सब मिलकर अत्याचारी पुरुष से लड़ने का संकल्प लिया। कवि कहना चाहते हैं कि पुरुष सदियों से चाहता है कि स्त्रियां उनके गुलाम बनकर रहे और खुद आज़ाद पंछी की तरह स्वतंत्र बने रहे। नन्ही ज्योत कहती है कि अब यह गुलामी और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इनके गुलामी और अत्याचार के खिलाफ सब शोषितों को मिलकर आवाज़ उठाने की बात कही है। यह था दीप कविता का सारांश। आगे इस कविता से जुड़े हुए कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं।